चार क्रांति की टीम इस समय पानीपत के रैली स्थल पर मौजूद है और जैसा कि लोकतंत्र बचाओ रैली सांसद राजकुमार सैनी यहां पर करने जा रहे हैं, तो यहां पर वो स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। ग्राउंड पर जो रैली स्थल है वहां पर वो पहुंचे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति में सीधी तस्वीरें। यहाँ पर पहुँचे हैं सांसद राजकुमार सैनी पानीपत रैली स्थल पर और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, बने रहिए आप संसार क्रांति के साथ और हम सांसद जी से पूछने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की रूपरेखा उनकी रहेगी रैली को लेकर के। तो आगे 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 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं और वो रैली स्थल का मुआयना कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, स्थिति का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संसार क्रांति पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और रैली कैसी होगी, किस तरह की तैयारी रहेगी, पूरी स्थिति का जायजा बारीकी से उनके द्वारा लिया जा रहा है। आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। आगे आगे तो सांसद राजकुमार सैनी इसमें पूरे जो पंडाल है उसका जायजा ले रहे हैं और किस प्रकार की तैयारी रहेगी, क्या क्या भूमिका रहेगी, कार्यकर्ताओं को ड्यूटी सौंपी जा रही है और उनको समझाया जा रहा है किस प्रकार से कार्य उनको करना है और स्थिति का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप संसार क्रांति पर देख रहे हैं इस समय और लेटेस्ट कवरेज हम आपको लगातार देते रहेंगे। 2 सितंबर को जो लोकतंत्र बचाओ रैली सांसद राजकुमार सैनी की होने जा रही है, तो उससे पहले स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सांसद राजकुमार सैनी रैली स्थल पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायज़ा उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो हम सांसद जी से जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका। सर किस प्रकार की तैयारी रहेगी और रैली स्थल पर आप पहुंचे हैं तो आज क्या देने के बाद जो है ना ये देखने के लिए आया कि हमारी व्यवस्था, मुझे लग रहा है कि लोग ज़्यादा आएंगे, व्यवस्था कहीं छोटी न पड़ जाए। तो मैं भी ये सवाल करने वाला था, पंडाल जो है काफ़ी छोटा लग रहा है और जो इनपुट हमारे पास आ रहा है काफ़ी संख्या पूरे हरियाणा से आ रही है, तो ऐसे में पंडाल छोटा पड़ जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की? कोशिश तो हम सोच करके अभी इसको बढ़वाया हमने लगभग 40 फीट आगे तक और भी बढ़वा दिया जी। लेकिन अभी प्रयास जो है ना इसमें कोई और गुंजाइश भी नहीं है कि अभी पीछे इसके जो इनपुट है वो ज़्यादा है और इसको अब हम पीछे भी करेंगे तो ये पीछे भी जाने में दिक्कत है क्योंकि अभी लग चुका है। तो आप उम्मीद जो संख्या का अनुमान है वो कितना लगा जा रहा है? लाखों करोड़ है। तो सांसद जी लोकतंत्र बचाओ रैली है तो क्या उद्देश्य आपका? लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य ही लोकतंत्र बचाना है, जिसको लोगों ने 250 परिवारों ने हाईजैक कर लिया सिस्टम। देश के 250 परिवार आज परिवारों का गुणगान कर रहे हैं। सभी जो छुटवैया लोग थे वो लोग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आम बड़े से बड़े लोग भी, 80-80 साल के लोग भी एक परिवार की परछाई के पीछे, कांग्रेस राहुल के पीछे इस तरह पाँव में पड़े हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा छोटा है अपने माँ बाप के पाँव में पड़ता है, इस प्रकार से 80-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग भी पाँव में पड़े हैं, जबकि ना राहुल को ना सोनिया गांधी को जन समस्याओं से, मैंने कम से कम 100 सभाओं में ये पूछा कि क्या सोनिया गांधी इस देश की समस्याओं को से परिचित हैं। तो और ये सवाल मैंने 20 MPs के सामने पूछा था कि आप ये बताएं अपनी आत्मा को जानकर कि क्या सोनिया गांधी इस देश का नेतृत्व करने में सक्षम है और या वो देश की जन समस्याओं को जानती हैं। वो एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, क्योंकि जब आत्मा का सवाल था तब वो ये ना हाँ कहाँ कहते बना ना ना कहते, लेकिन विडम्बना है देश की कि परिवारों का गुणगान करके लोग राजनीति की रोटियां सेकने में लगे। सांसद जी औपचारिक घोषणा करने जा रहे हैं 2 तारीख को, आप 2 सितंबर को, तो क्या लगता है आप किंग मेकर के लिए आ रहे हैं या चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं? किंग मेकर की भूमिका तो मैंने लाइफ में, जो अधरंगी लोग हैं उसमें मैं भी बिलीव नहीं करता। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के आएंगे, जैसे केजरीवाल को
दूसरे नंबर पे मिली थी। एक तरफ आप लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा को खत्म करने की बात भी आप करते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? अरे यही तो व्यवस्था ठीक करनी है जी। आज हमारे देश के अंदर व्यवस्था इतनी गंदी है कि जो सिस्टम अंग्रेजों ने दिया था हम उसी को ढो रहे हैं। ये लोकसभा तो उस वक्त अंग्रेजों ने बनाई थी कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये हमारे गुलाम हैं हिंदुस्तानी, लोअर सदन में ये हमारे हुक्म की पालना करेंगे, अपर सदन में हम बैठ करके हुक्म देंगे। जब देश आज़ाद हुआ ये राज्यसभा वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, और जिन लोगों ने अंग्रेजों ने बनाई थी अपने देश में उन्होंने राज्यसभा समाप्त कर दी कि सरकार के कामकाज के निरीक्षण के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। हमारे पास तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ जो सरकार के देख रेख कामकाज की होगी तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील दलील होती है। लेकिन विडंबना यह है कि चोर दरवाजे से घुसे हुए लोग इस सदन को ख़त्म होने देना चाहते हैं। जनता जिनको चुन के भेजती है वो है लोअर सदन लोकसभा, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है सरकार तो बन जाती है, लेकिन अपर सदन में लोकसभा में उसकी राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी 4 साल तक नहीं आती, क्योंकि इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल है 6 साल, एक तिहाई मेंबर 2 साल बाद चेंज होते हैं, तिहाई 2 बार चेंज होकर के कहीं चुनी हुई सरकार को 4थे साल में मेजोरिटी मिलती है, लेकिन जनता इतने में नाराज होकर के अगले चुनाव में विपक्ष को ले आती है और फिर मेजोरिटी आ जाती है मौजूदा सरकार की, फिर 4 साल तक वो देश का दम पीते हैं और उनका काम नहीं चलने देते। देश के दोनों सदनों में सिमिलर मेजोरिटी कभी कभार आई, अन्यथा एक दूसरा सदन एक दूसरे को लेट डाउन करके अपनी सरकारें बनाने के चक्कर में इस देश का बंटाधार कर। सांसद जी आखिरी सवाल, इस तरह के इनपुट भी आ रहे हैं जगह जगह जहां आप लोगों के फ्लैक्स लगाए गए हैं, उन फ्लैक्सों को उखाड़ा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और जबकि कुछ लोग ये कहते हैं सांसद राजकुमार सैनी खुद ऐसा चाहते भी उनका विरोध हो ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़े, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुख की बात है कि हम गाढ़े खून पसीने की कमाई से हमारे कार्यकर्ता अपने फ्लैक्स लगा रहे हैं, अपने जो है ना पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों को पीड़ा है जो हमारे फ्लैक्स और मूर्तियां नहीं देख सकते वो हमें देख सकते हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी, एक जगह नहीं 10 जगह तोड़ी, उसको यूँ तोड़ दिया कि हमारी तरफ उंगली कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लोग पढ़ के आते हैं वो उंगली बता रहे हैं बाबा जी संविधान की तरफ जो इशारा कर रहे हैं। ये देश का हाईजेक सिस्टम, इसी को हम लोकतंत्र के सांचे में डालना चाहते हैं और लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में ये सारा काम कर रहे हैं। सांसद जी 2 सितंबर को कौन से बड़े दिग्गज केंद्रीय राजनीति की यदि हम बात करें कौन कौन दिग्गज आ रहे हैं? मैंने तो किसी को न्योता तक नहीं दिया जी। क्यों कि मैं ये एकेडमी है हमारी, यहाँ से ये स्कूल है, ये नए नए चेहरे उतार करके इसमें नए लोगों को दलगत राजनीति गली सड़ी राजनीति से ऊपर उठा करके इस देश का निर्माण करेंगे। किसी भी जब टिकटों का बंटवारा होगा तो उस समय बड़ी उठापटक होती है, तो ऐसे में आपने टिकटों का बंटवारा जब करेंगे आप तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे, किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? जनता से 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आदमी दौड़ में होते हैं हर हल्के से, तो सारे नंबर तो एक आदमी को तो देने दे कोई रहा, मोस्टली जो है ना किसी को 10 देगा तो किसी को 5 तो देगा, और किसी का कार्यकर्ता दूसरे को 5 देगा तो पहले को 3 देगा। व्यवस्था हम सारे समीकरण पूरे 90 के 90 हलकों से जनता के SMS के जरिए हम उनकी राय जानेंगे कि आप कौन कौन, जो आदमी जनता में ज़्यादा काम कर रहा होगा नेचुरली है उसके फॉलोअर ज़्यादा होंगे। सांसद जी 35-1 का भी नारा गूंजता है, ऐसे में 35-1 की यदि बात करें तो जो विशेष समुदाय को लेकर के आपके साथ नोकझोंक रहती है तो उन लोगों को इन्विटेशन दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से या क्या रहेगा आपके? अरे वो मेरे को राम राम करने वास्ते तैयार नहीं है, आप इन्विटेशन की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ आप सुन सकते हैं सांसद राजकुमार सैनी ने साफ तौर पर कहा है, जो 35-1 की नारे की जहाँ तक बात की जाए या फिर जो तमाम जो विरोधी दलों द्वारा इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जाते हैं उसके बारे में सांसद राजकुमार सैनी ने साफ तौर पर कहा, कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा कोई मतभेद नहीं और जो रैली होगी ऐतिहासिक होगी और हरियाणा के इतिहास में मील का पत्थर भी साबित होगी, किंग मेकर के रूप में नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए सांसद राजकुमार सैनी की तैयारियां यहां से चल रही हैं और बहुत से टॉप सीक्रेट है जो इन्होंने बातचीत में खोले नहीं है। और कहना तो इनका यह है, हमने किसी को नहीं, केंद्रीय राजनीति की बात करें तो इनका कहना मैंने किसी को नहीं बुलाया लेकिन बहुत से दिग्गज पहुँच रहे हैं, वो रैली के दिन ही पता चल सकेगा। और रैली की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहेंगे 2 सितंबर को, अजय भारद्वाज और यशपाल कंचन, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा संसार क्रांति के साथ। पानीपत रैली स्थल से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।